देश के उत्तर दक्षिण सड़क कॉरिडोर को जबलपुर नागपुर महानगरों को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को 60 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान यहाँ पे निर्माण कार्य होंगे। इस दौरान लोगों को वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करना पड़ेगा। सिवनी कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास के आदेश के बाद देश के उत्तर दक्षिण सड़क कॉरिडोर को जबलपुर नागपुर महानगरों को जोड़ने वाले सिवनी से खवासा के बीच के हाईवे को अगले 60 कार्य दिवस के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया है। ऐसा कुरई घाटी इलाके में पेंच नेशनल पार्क से लगे हिस्से के कुल 6 किलोमीटर फोर लेन सड़क के निर्माण के लिए किया गया है। दरअसल अटल सरकार के समय पास हुए इस फोर लेन परियोजना के इस हिस्से पर पेंच नेशनल पार्क एवं सघन वन क्षेत्र होने की आपत्ति को लेकर रोक दी गई थी। अब इस सड़क को वन्य जीव के अनुकूलन डिजाइन करने के बाद संशोधित करते हुए स्वीकृत की गई है। यह इलाका प्राकृतिक रूप से ऐसा इलाका साबित हुआ जहां पर अन्य वैकल्पिक मार्ग बनाना संभव नहीं है, इसलिए सड़क निर्माता कंपनी दिलीप बिल्डकॉन के आवेदन पर सिवनी कलेक्टर ने तकनीक टीम के सुझाव के अनुरूप मार्ग को आगामी 60 दिनों के लिए पूर्णतः बंद करने के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश के बाद सड़क बंद होने पर NHAI ने अब सिवनी की ओर से नागपुर महाराष्ट्र के लिए यात्रियों व ट्रांसपोर्ट को वाया छिंदवाड़ा से सावनेर होते हुए अथवा बालाघाट कटंगी होते हुए या अरी से होते हुए वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं। वहीं दिलीप बिल्डकॉन सड़क निर्माता कंपनी का कहना है कि यह सड़क एक विशाल एलिवेटेड हाईवे है जो जंगल के इस हिस्से पर अधिकांश रूप से फ्लाईओवर रूप में है, जिसको बनाए जाने के लिए एक तरफ गहरी खाई को भरना पड़ता है तो दूसरी तरफ बड़े पहाड़ को काटकर वन्य प्राणियों के लिए अंडरपास भी बनाए जाने हैं, जिस पर 2 माह से ज़्यादा का भी समय लग सकता है। तब तक लोगों को यात्रा हेतु वैकल्पिक मार्ग को आवश्यक रूप से चुनना होगा। वजह ये भी हम लोग जगह कम है और डेंजरस पोजीशन भी है, वो आदमी और जान वाइल्ड एनिमल का जान का सुरक्षा को देखते हुए उसका डेथ हो ना हो उसी के लिए डाइवर्ट किया गया है। वो 2 महीने के अंदर हम लोग उसको कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। 2 महीना वर्किंग पीरियड है, एक्चुअली 60 डेज वर्किंग पीरियड है। ये अल्टरनेट हम लोग डाइवर्ट रूट दिया हुआ, काटंगी बालाघाट उधर से भी जा सकता है, छिंदवाड़ा सिवनी जा सकता है नागपुर होते हुए। ये बालाघाट जो अपना सुविधा हिसाब से जो 2-3 रूट का दिया हुआ उसमें आदमी यूज़ कर सकता है। हाँ, दोनों का हो गया, परमिशन हो गया दोनों का। ये हम लोग बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, नियर अबाउट 8 to 9 months हम लोग कोशिश कर रहा था इसको बंद हो जाए, क्योंकि बहुत सारा आदमी का जान जा रहा था इसी में। लास्ट में प्रशासन इसको बंद करने का निर्णय लिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।